हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्जी। ये देखिए, मैं अपने तरीके से आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। ये बहुत सिंपल है। इसमें मैं ना लहसुन यूज करूँगी ना प्याज, क्योंकि आज राधा अष्टमी है। मैं उनके लिए ये भोग तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं देखिए आपको बताती हूँ कैसे बनता है। ये मैंने 500 ग्राम लिया है अरबी, इसको ऐसे छीलना है। ये मैंने अच्छी वाला लिया है, क्योंकि मैंने पहले बनाया तो ये इसमें खुजली नहीं हुआ। लेकिन आप हाथ में तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो हाथ में आपकी खुजली हो सकती है। ये देखिए, अभी मैंने इसे छीला नहीं, इसे मैं कट कर लूंगी तब मैं छीलूंगी। आपको भी ऐसे ही कर कर छीलना है। मैं सारे ऐसे इसकी खोई निकाल लूंगी। ये देखिए, ऐसे करके मैंने सारे के खोए निकाल लिए हैं। ये देखिए फिर मैंने सारे छील लिए हैं इसे, लेकिन मैं अभी धो ही नहीं हूँ, क्योंकि धोने के बाद ये स्लिप करने लगेंगे तो आपको ये कट नहीं होंगे, इसलिए मैं पहले कट कर लूंगी। आप इसे जो शेप में काटना चाहें वो शेप में काट सकते हैं। मैं इसे लंबी लंबी काटूंगी। ये देखिए, ऐसे आपको कट करना है। बहुत स्लिप करते हैं तो ध्यान से। ये देखिए, ऐसे आपको पीस करना है। अगर आप चाहे तो गोल शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए कितना स्लिप कर रहे हैं। इसको सुधारने के बाद ही आप इसे धोएं तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत स्लिप करेगा। ये देखिए, ऐसे आपको कट करना है। मैं सारे को कट करके आपको दिखाऊंगी धोकर। ये देखिए कितने अच्छे शेप से कट हुए हैं। चाकू से मैं नहीं अच्छे हो रहे, इसलिए मैंने क्या किया, पिड़ाई से थे मैंने पीस किया है लंबा लंबा। अब इसे तीन पानी से मैं धो लूंगी, उसके बाद मैं इसे छौका लगा के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, अभी से तो हीट होने दूंगी। इसमें सरसों का तेल जाएगा, सरसों का तेल में ही सब्जी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा 50 ग्राम के आसपास तेल डालना है, इसे पूरे फैला लेना है। ये देखिए, अभी तेल हीट होगी, उसके बाद में हाफ चम्मच जीरा, हाफ चम्मच अजवाइन, ये दोनों मिक्स करके मैं डालूंगी। ये देखिए, जब तक ये चटकेंगे तभी ये रुई जाएगी। अभी इसे हम लोग अपने लैंग्वेज अभी अरुई बोलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे धोकर साफ कर लिया है। अब ये चटकेंगे तब मैं इसे, ये देखिए अजवाइन और ये जीरा चटक गए हैं। अब इसमें मैं अरबी डालूंगी। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई करूंगी सुनहरा होने तक। डायरेक्ट में सब्जी बनाऊंगी। लोग क्या करते हैं, इसे निकाल कर मसाले भी यूज करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको भून के दिखाऊंगी। ये मैंने हाई फ्लेम किया है, अभी सुनहरा होने तक मैं इसे भूनूंगी। ये बहुत अच्छे सब्जी बनते हैं। और आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो तक बने रहिए। अब इसे मैं ढक कर रखूंगी। ये देखिए, 5 मिनट तक मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे मैं अभी और ढक कर रखूंगी। ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। ये देखिए, अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे।
ये है धनिया, हल्दी पाउडर एक चम्मच छोटी चम्मच से, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा खाना है तो दो हरी मिर्च या दो लाल मिर्च आप इसमें डाल दीजिए। ये मैंने एक चम्मच नमक डाला है। ये सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। मैं आप 5 मिनट हो गया था, अभी से 2 मिनट 3 मिनट के लिए मैं इसको मसाले के संग भूनूंगी। अब मैं इसे ढक कर रखूंगी। देखिए गैस का मैंने फ्लेम धीमा कर दिया है, मैंने स्लो पर रखा है 500 वाट पर। अब इसे 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। एक चम्मच गोलकी पाउडर, मैंने उल्टन डालना भूल गया था सॉरी, लेकिन अभी भी ये भून ही रहे हैं तो मैं इसमें डाल सकती हूँ। ये देखिए मेरा 2 मिनट हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कुक हुआ है। ये देखिए हलवा हो गया है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, बस 1.5 गिलास पानी डालना है आपको छोटे गिलास से। अगर बड़ा गिलास है तो आप 1 गिलास डालिए। इसे हाई फ्लेम करूंगी। एक उबाल आने के बाद मैं इसे गैस को सिले इसे उबाल आने के बाद मैं इसे अब स्लो करूंगी। 2 मिनट के बाद ये उबाल आएंगे। ये उबाल आ गया है। अब इसे लो मीडियम पर मैं इसे और कुक करूंगी। 500 वाट पर मैंने किया है। इसे अब लटपट करना है। आपको ज़्यादा घी भी रखना है तो आप थोड़ा कीजिएगा, मैं तो लटपट रखूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कितना मैं लटपट रखती हूँ। ये सब्जी हो गया रेडी, कितना अच्छा कुक हुआ है ये देखिए। मैं चूरूंगी नहीं हाथ से, ये बहुत ज़्यादा कुक हुआ है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ जल जाएंगे। अब गैस का ये मैं गैस ऑफ की, अब इसमें गरम मसाला मैं डालूंगी। गैस को ऑफ किया मैंने, इसमें एक चम्मच मैं गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा बारीक कटा धनिया पत्ता डालूंगी, इसे मैं मिक्स करूंगी। ये देखिए। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।